हाय गाइस, वेलकम बैक वेलकम बैक टू माय चैनल चला सारथी। और आज का स्पेशल है बहुत लोगों का मनपसंद चिकन मोमोज। तो आइए देखते हैं बनता है स्पेशल चिकन मोमोज कैसे। इसके लिए 350 ग्राम मैदा लिया है। मैदे को अब बड़े से बर्तन में डाल लेंगे। अब हम लोग डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, साथ में डालेंगे 1 छोटे चम्मच नमक और धीरे धीरे पानी मिला के इसे अच्छे से गूंद लेंगे। हमें मैदा थोड़ा टाइट गूंदना है क्योंकि आगे चल के ये थोड़ा नरम होएगा। इसमें 1 चम्मच ऑयल लगा के अब इसे रेस्ट करने देंगे आधे घंटे के लिए। तो अब हम देख सकते हैं ये कैसा हो गया, बिल्कुल लचीला हो गया। डो को हम लोग एक बार फिर से अच्छे से मिला के 10 मिनट और रेस्ट करने देंगे। तो अब चलिए चिकन कीमा तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन का थाइज और ब्रेस्ट पोर्शन लिया है। तो इसको मैंने अपने घर पे ही चॉपिंग बोर्ड पे अच्छे से चॉप कर रहा हूँ। आपके यदि आप नहीं कर सकते हैं, आपके पास चॉपिंग बोर्ड से नहीं होती है, तो आप किसी बूचर से भी करवा सकते हैं, या तो तीसरा ऑप्शन है कि आप इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। बट ये कीमा जो ये बूचर शॉप में होएगा, ये आप खुद से कर सकते हैं। इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा होता है और मोमोज लाजवाब बनता है। इसके लिए मैंने 1 इंच अदरक लिया है, 6 से 8 लहसुन की कलियां लिया है और 2 से 3 मिर्ची लिया है। सबको बिल्कुल बारीक काट लेंगे। इसमें 1 बड़े साइज का प्याज बिल्कुल बारीक करके मिलाएंगे, साथ में धनिया डालेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे, ब्लैक पेपर और सोयाबीन, 3 से 4 से 5 सोयाबीन लिया, उसे मिक्सी में ग्राइंड करके मैंने उसे भी डाल दिया। वापस इसे हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब हमारा डो बिल्कुल तैयार है। तो इसे अब हम लोग 4 पार्ट में काट लेंगे। अब उस एक पार्ट को हम लोग अच्छे से रोल कर देंगे। रोल करने के बाद, उसे लंबे करने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे अपने मोमोज के साइज के अनुसार। जितने बड़े साइज आपको चाहिए आप अपने अनुसार काट सकते हैं। तो चलिए अब गैस को करते हैं ऑन और मैंने अब मोमोज मेकर को पानी डाल के अब हीट करने के लिए रख दिया है। अब इस मैदे के टिक्की को हम लोग मैदे में डाल देंगे ताकि ये अच्छे से बेलते समय इजी रहे। अब इस काम के लिए मुझे हमेशा अपनी वाइफ की हेल्प लेनी पड़ती है। तो आइए अब आगे इसको अपनी वाइफ का हेल्प लेते हुए आगे बढ़ता हूँ। मोमोज बनाने का ये सबसे ट्रिकी पार्ट है। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। आप इस ये वाले प्रोसेस को 2-3 बार देखेंगे तो आप भी सीख जाएंगे। मुझे भी हार्डली 3-4 बार लगे थे इसे समझने में। ये बड़ा इजी ट्रिक है। आपको एक साइड से अंगूठे वाले साइड से हल्का प्रेस करते जाना है और दूसरे साइड से एक छोटा सा प्रेस पंच करके आपको प्रेस करते हुए आगे बढ़ते जाना है। आप देखेंगे लास्ट में आपका मोमोज तैयार हो जाएगा। आपके लिए ये प्रोसेस मैं दोबारा कर रहा हूँ, एक बार फिर से आप देखें यदि कहीं छूट गई हो, ताकि अगली बार जब आप मोमोज बनाएं तो बिल्कुल सटीक मोमोज बनाएं। तो इस तरह देख सकते हैं कि मेरा मोमोज का लॉट तैयार है। तो अपने प्यारे व्यूअर्स को एक बार फिर से मैं बना के दिखाता हूँ ताकि कहीं से कोई मन में डाउट ना रहे और आप ये प्रोसेस करेंगे तो आपसे मोमोज इजीली बनेगा। तो आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त शानदार मोमोज है। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं।
अब मेरे स्टीमर को चढ़ाए हुए 15 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी स्टीम हो चुका है। तो अब इसमें ऑयलिंग और ग्रीसिंग करेंगे। हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, जब स्टीमर में हम लोग मोमोज डालेंगे तो वो थोड़ा गैप होना चाहिए ताकि वो जब पकेगा तो वो थोड़ा सा फूलेगा और एक दूसरे से चिपके नहीं, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। इस तरह हम लोग एक लॉट में 6 से 7 ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो चलिए 10 से 15 मिनट हो गए, अब हम लोग स्टीमर खोलते हैं। तो अब देख सकते हैं हमारा मोमोज बिल्कुल तैयार है। मोमोज तैयार है ये देखने के लिए आपको बड़ा इजी ट्रिक है, जब भी आप मोमोज को छुएंगे तो वो यदि स्टिकी होएगा तो आपको ध्यान रखना है आपका मोमोज नहीं पका है, यदि वो बिल्कुल स्टिकी नहीं हो तो आपका मोमोज पक चुका है और आप बाहर निकाल सकते हैं। मोमोज को थोड़ा चटपटा बनाने के लिए मैंने एक ट्रिक किया, जिसमें ऑयल में मैंने लहसुन और मिर्च को अच्छे से पका लिया और उसके बाद मोमोज में डाल दिया। तो आइए अब बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो करते हैं, चलो चखते हैं। मैंने अपने उस मोमोज में एक मोमोज अपने व्यूअर्स के लिए बचा के रखा था ताकि मैं उसे अंदर से खोल के दिखाऊं कि ये मोमोज कैसा बना है। तो आप ऊपर वाला कवरिंग देख सकते हैं बिल्कुल पतला है और अंदर का फिलिंग काफ़ी अच्छे से बना हुआ है और ये अच्छे से कुक्ड भी हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया कुक्ड है। तो एनीवे थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं आपको मोमोज कैसा लगा। गुड नाइट।